लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही हैं, जिनमें राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कुछ चीनी अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट से जोड़ा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि साल 2017 में जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच डोकलाम में संघर्ष चल रहा था, उस समय राहुल गांधी और उनके करीबी चीनी राजदूतों के साथ गुप्त बैठकें कर रहे थे। कई यूजर्स ने ये दोनों तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, जिस समय डोकलाम विवाद चल रहा था उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे थे। यूजर ने लिखा है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके। एक फेसबुक पेज में भी यही पोस्ट डाली गई थी लेकिन बाद में डिलीट कर दी गई। वहीं सूत्रों के अनुसार पता लगाने पर पाया गया कि वायरल हो रही पोस्ट भ्रामक है। जून से लेकर अगस्त 2017 में डोकलाम संकट के दौरान राहुल गांधी ने वाकई ट्वीट किया था कि उन्होंने चीनी राजदूत से मुलाकात की, लेकिन वायरल हो रही पोस्ट में इस्तेमाल तस्वीरें उस मुलाकात से संबंधित नहीं है। वायरल तस्वीरों में से एक डोकलाम संकट के कई महीने बाद यानी 2018 की है, जबकि दूसरी तस्वीर डोकलाम संकट के पहले यानी अप्रैल 2017 की है। रिवर्स इमेज सर्च की मदद से इन दोनों तस्वीरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। ये तस्वीर 5 जनवरी 2018 को राहुल गांधी ने ट्वीट की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा था, विचारों के सार्थक आदान प्रदान के लिए सीपीसी सेंट्रल कमेटी के सदस्य मेंग जियांगपेंग के नेतृत्व में सीपीसी प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। बता दें आपको कि शुरुआत में कई कांग्रेस नेताओं के खंडन के बाद राहुल गांधी ने खुद 10 जुलाई 2017 को ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वे चीनी राजदूत से मिले थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक रहना मेरा काम है। मैंने चीनी राजदूत पूर्व ASA पूर्वोत्तर के कांग्रेस नेताओं और भूटानी राजदूत से मुलाकात की। इस घटना की वजह से उस समय सियासी सरगर्मी बढ़ गई थी और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस पर खबरें भी प्रकाशित की थी, लेकिन वायरल हो रही दोनों तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर डोकलाम में भारत और चीन के बीच सैनिक गतिरोध से संबंधित नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।